Assalamu alaikum guys, my name is Neha Hussain and my name is Isha Hussain and welcome back to another YouTube video. So today's vlog is a little bit different because today is my friend's wedding and I can't wait to see her in bridal dress. So first Hania will do my makeup. So let's continue the vlog. Hania, my lipstick gayab ho gayi hai. Tamiz se ho jao. किसी ने नहीं चाटा अच्छी को आना जहन ही खराब है नहीं ये मोहल्ले के बच्चों को पकड़ के कप्पा पिया करने लग जाती है अच्छा कुछ लगा देना आनिया मेरे गुलाबी होंठ हो गए ये तो बोलो ना हानी समझो मैं ना तुम्हारे मेकअप के चैनल की बना रही हूँ अस्सलाम वालेकुम गाइस तो जी आज हो रहा है ईशा का मेकअप और मम्मा WWE खेलती है मम्मा ना स्पेयर भी लगाती है हेड स्पेयर मम्मा WWE में चीटिंग करती है चुंडियों या तो भी दांतों से काट करती है ये WWE के रूल में नहीं है आप तो चुंडियां WWE की मम्मा कराटे भी करती है मगर रूल्स को फॉलो नहीं करती कुंग फू कराटे मगर भाई हाथ का खेल है रूल को बनाना मेरा काम है तोड़ना किसी और का काम नहीं है मम्मा ही रूल बनाती है मम्मा ऐसी फाइट करती है जिसके रूल्स भी मम्मा ही बनाती है तोड़ती भी वही है मम्मा माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस है तो हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे थे कि शादी की सही एज क्या होती है मेरी नहीं पूछती वैसे पूछ रही हूँ मम्मा बहुत कुछ हो रही है मम्मा को बहुत जल्दी लगी हुई आपकी शादी की लड़की को एज होती है कि अगर वो मेडिकल या कोई प्रोफेशनल तालीम ले रही है तो 24-25 साल के अंदर और प्रोफेशनल तालीम ले रही तो 18-20 साल हो जानी चाहिए नहीं अब मैं बताऊँ कब होनी चाहिए जब आपको वो सही बंदा मिल जाए तब बस आगे के चक्कर में ना बॉस लेके हाँ बस सही है मतलब बेशक कुमारी बैठो वही मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा सही बंदा मिला तभी शादी करनी चाहिए खाब तूने क्या देखा था कौन सा रोमांटिक खाब देखा था आने बताओ शादी देखा था कि इसकी शादी हो गई और नहीं शादी में ना क्या कह रही थी नहीं कमरे में जा रही थी ना जा रही थी सो हानिया हैज डन माय मेकअप एज यू गाइस कैन सी सो लेट्स गेट इन टू द खाब जबरदस्त अच्छी लग रही है शादी में आ गए और मैं आप इससे बहुत बड़ी लग रही हूँ हील पहनी हुई है सही हील का कमाल है वरना मैं ही बड़ी हूँ तुमसे और यहाँ पर शादी में फ्रेंड की वैसे मुझे पता नहीं है शादी के व्लॉग बनाना लेकिन दोस्त की शादी में ना जाहिर सी बात है ये हमारी बहन है ईशा अलीशा वो तो अपने आप में लगी रहती है दिशा ये हानि है प्यारी लग रही हो मेरा भाई प्यारी लग रही हो तो मलिशा हाय और ये मैं लाइक फादर लाइक सन जबरदस्त बारात आ गई है बारात पे लड़कों वाली शॉपिंग हाय बोलो अच्छा मम्मा काफ़ी है मुझे कमेंट आते हैं कि आपके साथ वीडियो बनाने के लिए अब अच्छी लगती है देखने वालों की भी मोहब्बत है हमारी भी मोहब्बत है यहाँ पर दुल्हन दूल्हा के पोज वगैरह चल रहा है खाने के लिए आते तुम भी क्या खाने के लिए आई हो तुम दुल्हन को देखने आई मैं भी दुल्हन को देखने आई अच्छा पहले होता था कि खाने के लिए उठ उठ के जाना पड़ता था अब ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर
डालूँ। मैं डाइट पर हूँ तो हल्का हाथ रखूँगी, बस बहुत है। ईशा तुम डाइटिंग कर रही हो ना? डाइटिंग कर रही हो ना? हाँ, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मीठा तो लोगों को खाना ही नहीं चाहिए, मीठा तो आपका दुश्मन है। मीठा खा के डाइट कर रही है ये। अच्छा, इसने क्या किया कि पहले मुझे कहा था आप ही कुछ जरूरत नहीं खाना खाने की, डाइट पर है, हमें डाइट पर रहना चाहिए, मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए डाइट पर ना। वो खुद देखो क्या इतना ज़्यादा टूट गई है, इसने खाया, इसने खाया। वो तुम्हारी तरफ की है? हाँ, तो वो तुमने अभी की है, मेरी तरफ तो नहीं थी, उसने की है ना। अरे हानी ने बाल बहुत गंदे काट गए। हानी ने वैसे मुझे कहा था कि मत कटवाओ, लेकिन मैंने कहा था कि काट तो क्या पता अच्छे लगे, मैं कैटरीना कैफ लगूँ, लेकिन मैं कैटरीना कैफ तो नहीं लगूँगी। उसका दराज वर्जन लगा, क्या लग रही हूँ दराज वर्जन। हानी अब मुँह छुपा रही होंगे अभी, जब से ज़्यादा फैल गई ना। अच्छा, शादी में ज़्यादा खाने वाली निशानी ही होती है, इसलिए लिपस्टिक उतर जाती है। ये मेरी बहुत प्यारी सी सहेली है। हेलो, मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ। Instagram. The link is in the description. Bye bye. Ta-ta.